है व्हाट इज़ अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैंस। और इस वीडियो में हम एक चैलेंज करने जा रहे हैं। वो चैलेंज में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरा भाई मुझे एक बेस सेलेक्ट करके देगा और उस पर मुझे अपना बेस्ट लाना है और उसमें बिना सीसी और बिना क्वीन के अटैक करना है। मैं उसके साथ भी वही करूँगा, उसे भी अपना बेस्ट लाना है। तो देखते हैं ये चैलेंज कौन जीतता है। पहले TH9 से करते हैं, चलो। ये बेस मुझे मेरे भाई ने सेलेक्ट करके दिया है, चलो देखते क्या होता है। अभी बेस तो टफ ही है, देखते। मैं विजर्ड टावर के साइड से अटैक करूंगा क्योंकि वॉलकर इसको बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं ये विजर्ड टावर्स। तो पहले मैं गोलम डिप्लॉय कर दूंगा, फिर बाद में पेक्का और विजर्ड के मदद से फनलिंग करके पूरे वॉल्स डिप्लॉय कर दूंगा। और मुझे इस चैलेंज में क्वीन यूज़ नहीं करना है और सीसी यूज़ नहीं करना है। मैंने गोलम डिप्लॉय कर दिया, चलो किंग डिप्लॉय कर देता हूँ। पेकास विजर्ड्स भी डिप्लॉय कर देता हूँ अपनी। वॉलकर इस डिप्लॉय करने का वक्त आ चुका है। एक रेज स्पेल डाल देता हूँ यहाँ पर, चलो बहुत बढ़िया। अरे यार यहाँ पे टिस्ला फार्म है, चलो एक हील। जंप स्पेल डिप्लॉय कर देता हूँ और एक हील। अब तक तो अटैक सही जा रहा है। फ्रीज कर देता हूँ विजर्ड टावर्स को, वरना पूरे वॉलकरिस मर जाएंगे मेरे। अरे भाई साहब वॉलकरिस ही नहीं दिख रहे भाई मेरे। हाँ एक साइड है वॉलकरिस, अभी तक तो ठीक ही जा रहा है भाई अटैक, बस आगे देखना है अपने को क्या होता है। एकदम बढ़िया, अरे वॉलकर इस सामने मत जाओ यार, पीछे रहो वरना तुम ही मर जाओगे पहले। ये विजार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, दीवार फोड़ने लग गया यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये टाइम फेल होने वाला है, मुझे अंदर से बहुत गंदी फीलिंग आ रही है कि टाइम फेल होने वाला है अभी। विजर्ड अच्छा काम कर रहा है, अपने वॉलकरिस वगैरह भी अच्छा काम कर रहे हैं। चलो फटाफट एकदम काम कर लो। बस डिफेंस में एक ही चीज बची है यार, मोटर। देखते क्या होता है अभी। पूरे ट्रूप्स बाहर की तरफ आ गए यार, पिकास भी बाहर आ गए, वॉलकरी किंग भी बाहर आ गए, बस एक विजर्ड ही अंदर है। पूरे ट्रूप्स बाहर आ जा रहे यार, ये तो टाइम फेल है भाई। 20 सेकंड में इतना सब कुछ क्लियर करना और बिल्डर हट भी क्लियर करना है। और मोटर विजार्ड पे लॉक हो गया, वरना होने के चांसेस थे। ये अटैक तो 2 स्टार विथ 98% आ चुका है। देखते हैं अब TH10 से क्या होता है। 98% अच्छा खासा वैल्यू मिल गया अपने को 2 स्टार के साथ। चलिए गाइस चलते हैं TH10 के बेस पे। गाइस TH10 के बेस पे मैं आ चुका हूँ, मेरे भाई ने अटैक किया है, बस मैंने वॉइस ओवर दिया है। तो गाइस ये बेस मेरे भाई ने सेलेक्ट कर मुझे दिया है, तो देखते हैं अपन 2 स्टार विथ 99% ला सकते हैं या नहीं। मैं गोलाम डिप्लॉय कर देता हूँ पहले, पेक्का और विजार्ड की मदद से फनलिंग कंप्लीट कर लेते यार। किंग भी डिप्लॉय कर लेता हूँ, मुझे एनिमी किंग मिल चुका है। वॉल ब्रेकर्स विजार्ड्स बॉलर, एक हील डिप्लॉय कर देता हूँ यहाँ पर, चलो। एक रेज, एक फ्रीज,
एक और हिल, एनिमी क्वीन भी मिल चुकी है मुझे। क्या ये 3 स्टार हो पाएगा? एक हील, कुछ ज्यादा ही जल्दी डाल दिया यार मैंने हील। नहीं भाई ये अटैक भी फेल हो चुका है यार। इस पे 2 स्टार तो मिल चुके हैं पर अभी तक 54% ही निकला है। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा भाई ये चैलेंज हार चुका है। उसने 2 स्टार के साथ 54% ही लाया है और मैंने 2 स्टार के साथ 98% लाया था, तो मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ। सो दैट इज़ फॉर दिस वीडियो गाइस। गुड बाय, टेक केयर।